हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, नया टॉप अप इवेंट तो आया, सबको पता है, देख ही लिया होगा। कल रात में आ गया था टॉप अप इवेंट, और ये काफी ओपी वाला टॉप अप इवेंट है, क्योंकि 100 डायमंड टॉप अप इवेंट पे अपने को ये मिल रहा है। अच्छा है, क्योंकि देखो जैसे मेरे फेस पे है, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ी सी लाइट है। और ये अपना वॉल है, जो कि बहुत सस्ते में, क्योंकि जब भी कोई इवेंट आता था वॉल का, तो वो 500 डायमंड मतलब 400 रुपये, अभी सिर्फ 250 रुपये मान के चलो हो जाएगा, काफ़ी कम कर दिया है। क्योंकि उधर 400-500 डायमंड टॉप अप इवेंट रहता था ना, तो 400 रुपये लगता था उसके लिए अभी, लेकिन इधर से 300 है। तो वॉल भी काफ़ी ओपी लेवल का है, और ये भी काफ़ी ओपी लेवल का, जिसको निकालना है निकाल लेना, बट मुझे खेलना ट्राई द बेस्ट, क्योंकि मैं सुबह से बहुत मैच हार रहा हूँ, तो चलिए मुझे कवर करना है आज। और कैसे भी यार, हाई फिर से मेरे को 74 फिर से पहुँचना है, पता नहीं क्या है, बट बहुत बुरा हार रहा हूँ यार, किस्मत खराब है, टाइमिंग मुझे कुछ नहीं पता, बट क्या ही गंदा गंदा मजाक हो रहा है मेरे साइड से। किसी मैच में तो पिंग हाई चल रहा है, लगातार 3 मैच हारा हूँ, जिसकी वजह से मैं तीनों में पिंग, इतनी ज़्यादा हाई पिंग था। और भाई फिर से 2 मैच हारा, जिसमें स्क्वाड की तो भाई अलग ही सस्ता नशा करके बैठी थी, बोली शुरू नहीं हुआ कि भांग पी के बैठे थे, ठर्रा पी के बैठे थे। और मेरे गली में कितने महान चूतिए होते हैं ना, कि अगर गली में गुजरेंगे तो उनके पता नहीं कौन सा नशा रहता है, अरे नहीं सुनो, अगर गली से गुजरेंगे ना तो पता नहीं कौन सा नशा रहेगा, तो वो उनके पास एक बुलेट है पुरानी, तो फाड़ 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 जरूर करेंगे, क्योंकि भाई देखो चूतिया वैसे भी है, अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं ठीक है। भाई डाउन है यार, भाई डाउन है, घुस तो भाई डाउन है, भाई बंदा डाउन है, रिवाइव कर रहा है, गजब बेइज्जती है सालो। चूतिया है क्या? नहीं भाई, सस्ता नशा करके बैठे हैं, ले भाई सस्ता नशा करके बैठने वाला हो ना भाई, भाई बहुत चढ़न होती है, मैं डाउन भी कर दे रहा हूँ, सब कुछ कर दे रहा हूँ, बट भाई ना स्क्वायर नहीं साथ दे रही, तो क्या करोगे, जब किस्मत बुरी होती है ना तो कुछ भी संभव हो सकता है। अरे नहीं खेलना है तो मत खेलो, मुझे कोई इतराज नहीं है भाई, स्क्वाड में खेलना है तो स्क्वाड तरह खेलो ना, फिर भी अब क्या बोले, अभी मैं एक बंदे को डाउन किया, एक को पूरा डैमेज दिया, बट ये 2 बंदे वहां से ना तो निकले ना तो रिवाइव करने आए, और उसका बंदा घुस के रिवाइव भी कर दिया, मुझे मार के भी चला गया, अभी मेरे साइड 2 बंदे आ रहे, गजब बेइज्जती है। अब देखना, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मेरे साइड नहीं आएंगे, ना तो कवर करने आएंगे ना तो कुछ, क्योंकि भाई प्रो प्लेयर है ना, तो फीलिंग उनकी प्रो वाली होगी, तो ना तो रिवाइव करने आएंगे ना तो कुछ करने नहीं आएंगे। अरे लूट लेता हूँ ना, देखेंगे क्या होता, सर पे कफन बांध के तो ऐसे हमेशा भी निकलता ही, माफ कर दे रे भाई, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं मुझे M10 चाहिए, किसी भी कीमत में मुझे M10 चाहिए, नहीं ओ भाई मैं मिस्टेक कर गया, गलती मेरी थी, मुझे जूमिंग करना ही नहीं था यार, चलो खैर मिस्टेक जो भी थी मेरी थी, मैं गलती किया, और स्कोप होने की वजह से मैं हटा नहीं पाया इसको उस साइड से, और मैं मर गया।
भाई यही तो कोऑर्डिनेशन चाहिए यार, यही तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, नहीं बस थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन। वो एक स्क्वाड के बंदे देख रहे हो, डी कंपनी, डी कंपनी, डी कंपनी, CR7 स्पोर्ट, एक बंदा उसका अलग है, तो जाहिर सी बात है उनके पास क्लू भी है। अगर जब एक गिल्ड के बंदे होते ना तो क्लू रहना चाहिए सी बात। क्या मैच निकाल पाएगा आदि तू? नहीं देखो मुझे अपने ऊपर तो पूरा कॉन्फिडेंस मैं निकाल लूंगा, बट कहीं अपोनेंट धोखा ना दे जाए बस, खासकर मेरे बंदे। Kill. ले भैया हम फो ले भैया हम फो वाली बात सुनी है ना, सेम वही हो रहा है इसके साथ भी और मेरे साथ भी। Need equipment. अरे M10 दे दे यार, किसी के पास कॉइन ना तो M10 दे दो यार। Need equipment. नहीं। क्योंकि मैं अपना कॉइन बेकार करने वाला नहीं हूँ, तुम लोग ये मत सोचना कि मैं अपने कॉइन बेकार करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कैसे टाइप के बंदे हो, तो मेरे को अगले राउंड में पैसे चाहिए। अब आए ना लाइन पे। कोई आया क्या? नहीं। एक लॉन्ग रेंज में है, एक जस्ट मेरे पीछे साइड में है। कोई घुसेगा मेरे साइड से तो मरेगा इसकी। First blood. गलती गलती मार रहा कार्तिक, क्या कर रहा है कार्तिक, क्या क्या किया तूने भाई, क्या किया तूने यार। चलो ठीक है मेरा एम उस पे नहीं गया, बट तूने क्या गलती किया यार, मैं मर गया ना भाई। होली है वाला इमोट निकाल के लिया भाई, बहुत अमीर लग रहा है यार भाई। रईस मुकेश अंबानी का इससे दादा होता है कि चच्चा उच्चा है? चूतिया है क्या या कुछ और है गाइस? भाई बंदे के पास भाई रईसों की औलाद है यार, अपन गरीबों कोई पूछता तक नहीं ना, तो यार सब्सक्राइब कर तो यार आप लोग भी, और शायद आप लोग के सपोर्ट से कुछ हासिल हो पाएगा, तो जरूर यार आप लोग सपोर्ट कर दो, क्योंकि पता है ना भाई को सपोर्ट की सख्त जरूरत है। गाइस अपोनेंट थी अच्छी खासी है, मैं मानता हूँ बहुत ओपी लेवल के अपोनेंट है, तो ठीक है अपोनेंट अच्छा खेल रही है, और अपन एक राउंड हारने के बाद ये मैच निकालें तो समझ सकते हो, क्योंकि पिछले एक घंटे से मैं जितना भी CS रैंक खेला हूँ सब में माइनस हूँ, और ये शायद ज़्यादा मत उछोड़ क्योंकि उसमें माइनस हो सकता है, ज़्यादा उछड़ोगे तो हवा में से जल्दी गिरोगे। अब आए ना लाइन पे। बंदे उसके घुस गए, कर गया ना गलती, गलती किया कि नहीं, अलग दुनिया में क्यों गया? चूतिया है क्या? अलग सस्ता नशा क्यों करके बैठा भाई? कितने बंदे घुसे हैं यार, तीन तीन चार चार बंदे एक ही जगह पे यार, टूट पड़ रहे हो भाई, कुछ तो शर्म करो यार, लिहाज लिहाज के लिया करो यार कभी कभी, नहीं ऐसे ऐसे कौन मारता है यार, टूट पड़ रहे हो किसी के भी ऊपर।
हमारे ये चचा भाई अलग ही सस्ता नशा करके बैठे हैं, तो इनको अभी क्या बोला जाए? बस यही बोला जाए कि तुम अब छोड़ो गेम और सच में लूडो उठा लो। क्योंकि देखो जहाँ पे आसान से बोया निकलने वाला था वहां से अपन मैच हार रहने की कगार पे आ चुका है। उनको एक मौका चाहिए गेम को जीतने के लिए और तुम लोग उनको एक मौका दिए जा रहे हो। एक तो बंदे एक के बजाय चार घुस जा रहे एक ही जगह पे, यार क्या बात है भाई, वो भी मैक 7 शॉटगन यूएमपी सब करे MP40 सब लेके घुस जा रहे हो यार। भाई कुछ तो शर्म कर लिया करो यार, अकेले को यार चार लोग मिलकर मारोगे मर नहीं जाओगे? अब कार्तिक भाई के पास सस्ता नशा है, मरेगा मरेगा कार्तिक मरेगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि बंदा पीछे नहीं आएगा। हो गए खुश नहीं फर्स्ट डबल किल। चलो कोई ना, हारेंगे यही होगा ना। नहीं भाई क्या करे अभी 81 लेवल का है भाई। भाई प्रो स्क्वाड थी क्या? 81 लेवल के बंदे हैं यार, डी कंपनी के स्क्वाड काफी ओपी लेवल के यार। 81 लेवल का प्लेयर है तो भाई ओपी बनता है ना। अभी तो मजा आएगा ना, रुक जाओ जरा। अबे बेज्जती जती मत करो यार, 81 लेवल का प्लेयर है, तुम लोग हारना मत। भाई 70 स्टार लगा के बैठे हो, उस तो शर्म करो, हारना मत किसी भी कीमत पे, हारना नहीं है मुझे। एटलीस्ट काम कर ही दिया था, बट थोड़ी सी मिस्टेक हुई उसके पास, शॉटगन मेरे पास से क्रोजा हेडशॉट तो पड़ा बट उतना जितना अपन चाहता था वैसा नहीं पड़ा। अरे हारना नहीं, हारना नहीं है किसी भी कीमत पे, हारना नहीं है। जिसको जिसको पूरा लो पूरा लो गाइस, किसी भी कीमत मुझे हारना नहीं है। 81 लेवल के भले प्लेयर है, कोई भी 81 लेवल का प्लेयर है मुझे उससे नहीं फर्क है, बस मुझे बोया चाहिए एक नंबर। आपका ये उपकार जिंदगी भर औकात दिखाओ उनके 81 लेवल के है ना, बस भाई। डबल किल। डबल किल। बस बस यही चाहिए था यार, 81 लेवल का भले प्लेयर है बस ओपी भाई। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू, ले इमोट देख ले। तो गाइस जब जो लोग ने अपने वीडियो को जल्दी से फटाक से लाइक कर दो, क्योंकि भाई टीम लेवल के प्लेयर वाले की स्क्वाड को अपन मार ही गया, हरा के गया समझ लो, एटलीस्ट वही हरा के ही गया। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि भाई को सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट कर देना। एंड आज की वीडियो को यहीं पर करना चाहूँगा, तो यकीन करता हूँ वीडियो में मजा आया हुआ, क्योंकि लगातार भाई 6-7 मैच हारा हूँ और काफ़ी बुरी हालत से निकलने के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो चलो फिर से वही कहने वाला हूँ ना, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे अलर्ट। भाई देखो किस्मत होती है, अबे चूतिया कोई लाइक तक नहीं किया है, वाह भाई वाह। जो टॉप 2 है उसको नहीं, जो लास्ट 2 उनको, चलो ठीक है भाई भाई, अखंड प्रो हॉल समझ लो ना। एंड बाय बाय यार, कोई ना, सब होता रहता है हर चीज़।